उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के चिलहरकर रसड़ा कोतवाली क्षेत्र में रत्तोपुर गांव में चुनावी बात को लेकर जमकर मारपीट हवाई फायरिंग हुई, जिसमें जितेंद्र गुरुवार को पूर्व प्रधान महिलाओं समेत 6 लोगों को चोटिल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। इसको लेकर गाँव में तनाव बना हुआ है। पूर्व प्रधान का कहना है कि अभी भी धमकी दे रहे हैं और कहते हैं कि अगर घर से बाहर निकले तो मार देंगे। इस घटना से पूरा परिवार डर में जी रहा है। बताया जा रहा है कि रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के रत्तोपुर गांव में रंजीत सिंह अरविंद सिंह खरवर के बीच पिछले 4 दिनों से पहले चुनावी बात को लेकर बहस हुई और पूर्व प्रधान को, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। रिपोर्ट बाय एजाज अहमद, समाचार इंडिया न्यूज बलिया। क्या नाम है आपका? हमारा रिखीलाल दिव्यांत नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रत्तोपुर ग्राम सभा में निवासी हैं जी। क्या घटना घटी थी यहाँ पर? घटना घटी थी कि हम लोगों को धमकाया गया और गोली और बारूद से मारा गया यहाँ, और सभी लोग हमारे परिवार वाले और हमको भी लोग घायल कर दिए। जेटा प्रधान पूर्व प्रधान जी के घर के हैं? हाँ जी हाँ, हम पूर्व प्रधान जी को चाचा हैं हम। हाँ जी, तो गोली कितने का फायरिंग चलाई गई थी? कितना फायर, अनगिनत फायर हुआ साहब, कितना फायर हम गिने, अनगिनत हुआ। यहाँ धड़ाक धड़ाक खोखला यहाँ छीटा गया, बहुत द्वार पर यहाँ चेका पत्थर ईटा सब चला गया था। अभी छत पर आप देखिए, छत पर भी ईटा पत्थर हमारा पड़ा है। यहाँ इन लोगों का घर है। लोग रहने वाला कहाँ के हैं? तदीपुर कुछ ग्राम सभा को थे और कुछ रत्तोपुर ग्राम सभा के थे, जो संजीत सिंह और नारापार के सभी लोगों आए थे। 8 गांव से साहब आए थे, 8 गांव से। अरविंद कुमार खरवार, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत तदीपुर जी। क्या मामला हुआ? कुछ दिन पहले देखा गया गोलियों सब चले थे जी। पिछले 8 तारीख को हमको बुला करके लोग मारे हमारे ग्राम पंचायत में ही, और फिर विगत 13 तारीख को गोल बना करके 3 दर्जन से अधिक लोग हथियार के साथ हमारे घर पे हमला कर दिए। हमारे घर में बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सब सारे लोग चोटिल हैं। ये लोग चुनावी रंजिश रखते हैं, दबंग किस्म के आदमी हैं। हमारे गांव में सारे लोग ठाकुर लोग अपना एक लाबी तैयार किए और कह रहे हैं लोग कि चुनाव तुम लड़ोगे तो जान से मार देंगे। कौन लोग कह रहे हैं? ठाकुर लोग जी। वो लोग कह रहे हैं सामान्य का चुनाव हम नहीं लड़ने देंगे। हम कहे कि सर, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, हम चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए जो है कि सारे लोग दबाव बनाने पर तुले हुए हैं, मेरे जान का खतरा है जी। तो आपने इसकी पुलिस के द्वारा क्या रवैया है? पुलिस गांववार प्रशासन एसओ साहब जो है कि 151 में दूसरे मामले में हम लोगों को भी चालान कर दिए जिस दिन। कौन सा मामला था वो जी? मामला वो दूसरा था, राजभर बस्ती हजौली का। वो लोग आए थे उनके यहाँ पुछार करने, ये लोग हमारे यहाँ हमला किए थे। उसी दिन जो है कि हमको और हमारे घर के 2 सदस्यों को थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा गढ़मार थाने में बंद कर दिया गया और 151 में चालान कर दिए जी। जी, तो क्या पुलिस के द्वारा किस तरह की पहल की गई? थाना अध्यक्ष महोदय का रवैया हमको अच्छा नहीं लग रहा है सर। हाँ, रसड़ा थाना में हम जो तहरीर दिए, मुकदमा लिखा गया है। यह आपका जो ग्राम सभा किस थाने में आता है? जी, हमारा गांव रत्तोपुर और रोशनपुर रसड़ा थाना में आता है, और तद्दीपुर जो हमारा ग्राम पंचायत है वो गणवार थाना के अंतर्गत आता है जी। जी, हमारे चाचा चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं जी? हम चाहते हैं न्याय, और हमारे जान का खतरा है, पूरी जिम्मेदारी। तो ये चुनावी माहौल को लेकर हुआ या कुछ और मामला था? कोई मामला नहीं था सर, ये चुनावी माहौल मामला है। लोग चाहते हैं कि इनको मार दिया जाए। ये समान मैं पिछले बार 2010 में चुनाव लड़ा था, समान सीट पे मैं चुनाव जीता था, और विगत 2015 में मैं चुनाव हार गया। फिर मैं तैयारी में हूँ।
लोग ये चाहते हैं कि समान के चुनाव में रहो। वो लोग कौन है, वो भी प्रत्याशी है क्या? जी सर, हमारे विपक्षी संजीव सिंह है जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या वो लोग पर मुकदमा दर्ज हुआ है? जी सर। गिरफ्तारी हुई है? नहीं सर। तो क्या वो गाँव में है या भागे हुए हैं? गाँव में ही सर। तो क्या पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है? पुलिस तो आश्वासन दे रही है कि हम लोग खोज रहे हैं सर। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम मांग करेंगे सर कि ऐसी कानून व्यवस्था बनाइए कि सबका सम्मान बचा रहे। पर्चे बताइए। जी सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार खरवाल, मैं एक सहायक अध्यापक हूँ। इन यहाँ पे 13 तारीख को करीब 2 से 3 बजे के बीच में कुछ नहीं तो 25 से 30 लोग आए हैं, लाठी डंडे और कट्टे के से यहाँ फायर किए हैं, लोगों को मारे पीटे हैं। और अभी भी हमारे बड़े भाई साहब अरविंद कुमार खरवाल जी, पूर्व प्रधान फद्दीपुर, उनको और हमें दोनों लोगों को जान से मारने की धमकियाँ लगातार मिल रही हैं। मैं इन्हीं लोगों के डर से अपनी ड्यूटी करने नहीं जा पा रहा हूँ। हम लोग बहुत ही डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। क्या धमकियाँ मिल रही है क्या अभी? जी सर, हम लोगों को मिल रहा है कि मुन्ना प्रधान और जितेंद्र मास्टर के जान से हम लोग मार देंगे यदि ये दोनों लोग घर से बाहर निकलते हैं। दोनों लोगों को जान से मार दिया जाएगा। सूचना आपने पुलिस को दिया था? जी सर, ये बताया गया है सर, एप्लीकेशन जो FIR करवाया गया उसमें दिया गया है। अच्छा, तो कुछ हुआ? जी सर, प्रसाद थाने से 2 सिपाही जी लोग रातों में आते हैं, आके अपना गश्त देते हैं यहाँ पे। प्रशासन के छत्रछाया में हम लोग हैं और हमें अपने संविधान पे और यहाँ के प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। अपने संविधान पे और यहाँ के प्रशासन पे विश्वास है कि हमारे साथ न्याय हमको मिलेगा। क्या चाहते हैं आप, क्या क्या मांगे आपकी है? जी, हमारी मांग ये है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जांच करके और हमें न्याय दिया जाए।